Welcome students in online classes of Divine Public School. It's I, Vijay Kumar Gautam. In this video, students, I am going to explain the rules of narration. Students, ये narration का third video है. और इस video में हम ये जानेंगे कि अगर direct narration के reported speech में pronouns आते हैं, अगर pronouns आते हैं, तो हम उसको कैसे change करेंगे? How to चेंज। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये टेबल तैयार करना है, ये चार्ट आपका तैयार होना चाहिए। प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इत्ते। ये नॉमिनेटी या फिर सब्जेक्टिव केस होते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस स्टूडेंट्स, आई का मी, वी का अस, इस प्रकार से यू, हिज, इट, दे का ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाते हैं। और ये पॉसेसिव फॉर्म, इन सारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ये पॉसेसिव फॉर्म स्टूडेंट्स आप इस चार्ट में देखिए। ये चार्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए अगर आपको सीखना है कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को आप चेंज करेंगे। इसके लिए वो चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो तैयार होना जरूरी है। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा से बाहर, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है, नॉमिनेटिव केस है, ये डेफिनेटली नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का आता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन अगर आता है, सेकंड पर्सन मतलब डेफिनेटली अगर सेकंड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इस कंडीशन में सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का थर्ड पर्सन आता है, अगर थर्ड पर्सन आता है इस कंडीशन में हम उसको नहीं चेंज करते हैं, नो चेंज। और इसीलिए इसको शन का फॉर्मूला भी कहा जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपका प्रिपेयर होना चाहिए, तब जाकर आप प्रोनाउन को चेंज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ये एक सेंटेंस आप देखिए, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब, यू आर हैप्पी। कन्वर्ट करें हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में, ही तो ही रहेगा, सेड टू ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, इसलिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स, यू का जो पर्सन है वो है सेकंड पर्सन, और जब सेकंड पर्सन होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है स्टूडेंट्स, मी ऑब्जेक्टिव केस है। और चूंकि इसे चेंज करना है, इसे हमें यूज करना है रिपोर्टेड स्पीच में नॉमिनेटिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आई का जो नॉमिनेटिव फॉर्म होता है, सॉरी मी का जो नॉमिनेटिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, आई होता है, इसलिए यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई, आई। अब ये पास्ट टेंस है, आर आया हुआ है यहां पे, सिंपल पास्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज, आई वॉज हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स आप ये सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट नरेशन, दे सेड वी वांट टू गो टू मुंबई, रिपोर्टेड स्पीच है ये, दे सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो दे सेड, असर्टिव सेंटेंस, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, नो डाउट। वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, दे का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है, दे, इसलिए यहाँ पर दे हो जाएगा। वॉन्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, तो वॉन्टेड हो जाएगा, बाकी और पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ मैंने फर्स्ट पर्सन चेंज करके दिखाया, और इससे पहले वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ सेकंड पर्सन को चेंज करके दिखाया।
स्टूडेंट्स अब आपकी एग्जांपल देखिए, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम जब चेंज करेंगे, हम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इससे पहले वाले रूल में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ था, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, राम राम सेट टोल्ड, क्योंकि हम सेंटेंस में फीलिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोनाउन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने हिम यूज किया हुआ है, राम टोल्ड हिम, ये माना गया है कि हिम से ही बोला जा रहा है। दैट एज ए कंजक्शन। अब हिम के अकॉर्डिंग यू किस में परिवर्तित हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। शुड वर्क हार्ड, शुड वर्क हार्ड। हम चाहे तो स्टूडेंट्स सेंटेंस में अपनी साइड से अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेकेंड पर्सन अगर यूज किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, उस कंडीशन में हम फीलिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं यू को। यहाँ मैंने ही के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है और यहाँ आई के अकॉर्डिंग, आई का ऑब्जेक्टिव किस मी एज अ ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया हुआ है, तो यू के स्थान पे क्या आएगा, आई आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, फीलिंग के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप ये रूल देखिए, नॉर्मली हम जानते हैं कि शैल को शुड में और विल को उड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नॉर्मली सेंटेंस में यही होता है। अब ये एग्जांपल इस रूल को थोड़ा सा और ब्रॉड करके बताएगा, एक्सप्लेन करके बताएगा कि हर जगह ये चीजें नहीं होती हैं। अब देखिए, निर्मला सेट मेरा नाउन यूज किया गया है, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, आई के साथ शैल का यूज किया गया है। यहाँ नीचे मैंने बॉटम में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर आई को रिपोर्टेड स्पीच के आई को अगर हम ही या सी में कन्वर्ट करते हैं, या अगर वी आया हुआ है यहाँ, अगर आई के स्थान पे अगर वी आया हुआ होता, वी को अगर हम दे में चेंज कर रहे हैं, तो फिर सेल को शुड में नहीं बल्कि उड में चेंज किया जाता है। देखिए, निर्मला टोल्ड, सेट टू टोल्ड, मीरा मीरा कंजक्शन, दैट आई को सी में चेंज किया गया है, आई फर्स्ट पर्सन है तो निर्मला के अकॉर्डिंग सी में, ब्रैकेट में आप नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शुड नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, उड आएगा, उड हेल्प मीरा, हर हर पहले आना चाहिए, हर पहले आना चाहिए, मीरा जो है इसको ब्रैकेट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा रूल है सेल और विल को चेंज करने का। स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है प्रोनाउन चेंजिंग से रिलेटेड, नियर अबाउट 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस तक आप डन कीजिएगा इस वीडियो में। यहाँ आप देख रहे हैं कि 13 तक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप 1 से लेके 10 तक ही डन कीजिएगा। ये सारे के सारे सेंटेंसेस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बाकी सारे रूल्स वही हैं। इस वीडियो में थर्ड नरेशन के इस थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन आता है तो उसको किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। ही सेड टू मी आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, यहाँ आप देखिए कि आई आया हुआ है, इस आई को कैसे आप चेंज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में यू को आप कैसे चेंज करेंगे, थर्ड सेंटेंस में यू आया हुआ है, हाँ फर्स्ट सेंटेंस में हाँ माई भी आया हुआ था, फोर्थ सेंटेंस में यू, फिफ्थ सेंटेंस में वी और तो नहीं है कुछ इसमें, सिक्स सेंटेंस में यू, सेवन्थ सेंटेंस में आई, एट सेंटेंस में आई एंड यू, यू ऑब्जेक्टिव केस है, आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। नाइन्थ सेंटेंस, द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, सिंपल सेंटेंस। टेंथ, ही सेड टू देम यू प्लेड वेल, यू यू को आप चेंज करेंगे। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स 10 सेंटेंस, आप चाहें तो 2 सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं, 11th और 12th भी। 11th सेंटेंस में आप देखिए यू को आपको चेंज करना है और 12th सेंटेंस में यू को आपको चेंज करना है, दोनों में ऑब्जेक्ट आया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ भी 12th सेंटेंस में, 11th सेंटेंस में और 10th सेंटेंस में जो है क्या, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ है, तो ये काफ़ी आसान होगा आपको चेंज करने में। तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन चेंजिंग का ये रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिपोर्टिंग वर्ब और ये रहा रिपोर्टेड स्पीच, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आता है तो इस प्रोनाउन को कैसे आप चेंज करेंगे। फर्स्ट वीडियो में सिंपल नरेशन के रूल को मैंने बताया, सेकंड वीडियो में टेंस से रिलेटेड मैंने बताया, और थर्ड वीडियो में मैंने बताया कि प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम जानेंगे टाइम, नियरनेस वगैरह वगैरह और द रूल्स, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, थर्ड नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि रूल्स फॉर द चेंज
ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजिशंस। ये इस चार्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा।